नमस्कार, मैं हूँ विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी हम बात करें राजस्थान सरकार और प्रदेश सरकार की, कुछ ऐसे सवाल हैं लगातार जो आम आदमी के जहन में उठते हैं। हमने हमारे चैनल के माध्यम से भी कई बार उठाए और जितने भी जिले भर में हमने हर ब्लॉक तहसील गाँव ढाणी में जो कवरेज की है वहाँ से कई ऐसे सवाल हैं जो बार बार उठ के हमारे सामने आए हैं और कुछ सवाल ऐसे जो हमारे भी मन में हैं। इस चैनल के माध्यम से हम सत्ता और सरकार से पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार रहे हैं चुनाव के टाइम में अपना घोषणा पत्र जारी करके और जो घोषणाएं करती हैं क्या वो वादे पूरे होते हैं, और ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो अगर पूरे हो जाएं या उनका जवाब मिल जाए तो आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी। शायद जो मैं सवाल आपके सामने रखने वाला हूँ वो चीज़ें आपके भी कहीं ना कहीं दिमाग में आती होंगी, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलता कि उसके माध्यम से आप वो सवाल पूछ सकें। तो हम प्रयास ऐसा ही कर रहे हैं, हमारी ये मुहिम है कि हम ऐसे जो सवाल हैं जो आम आदमी के जहन में उठते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दें। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप वो सवाल सत्ता से कर सकते हैं। कुछ सवाल हैं जो मैं आपको बताऊँगी। जैसे मोदी सरकार की बात करें, बीजेपी गवर्नमेंट ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर दी जाएगी, जैसा शायद मुझे लगता नहीं कि हुआ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ के बारे में बात करें, मोदी सरकार के 3 देशी अभियान थे जिन्हें देशी अभियान का नाम दिया गया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। और मोदी सरकार का कहना ये था कि ये जो तीनों अभियान हैं इससे रोज़गारों का सृजन किया जाएगा, जिससे 2 करोड़ जो रोज़गार देने का उनका वादा था वो पूरा किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि इस माध्यम से डिजिटल, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया, इनकी वजह से किसी को कोई रोज़गार मिला? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में, जो अभी 2 साल का दूसरा कार्यकाल अभी मई में मोदी सरकार ने संपूर्ण किया है, उसके पहले का जो कार्यकाल था उसमें मोदी सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था स्वच्छ भारत अभियान का, और उसमें ये कहा गया था कि जो 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ कर दिया जाएगा, गांव, ग्रामीण एरिया है, गांव में है, वहां भी सफाई व्यवस्था एक सुचारू रूप से कर दी जाएगी। तो आपको लगता है कि आपके गांव में सफाई व्यवस्था है वो एकदम से दुरुस्त है? अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वहीं बीजेपी ने अपना जो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जिसको कहें 2019 में जब जारी किया था उसमें कहा था कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं गरीबी को हटा कर उनको सिर्फ 10% पर ले आया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, मध्यम वर्ग में जो लोग थे वो भी गरीबी रेखा के नीचे धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर देश में किसी को नुकसान हो रहा है तो वो मध्यम वर्ग और गरीब तबके को। अब इसके अलावा अगर और भी कई चीज़ें हैं जो सवाल हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं ताकि हम हमारे चैनल के माध्यम से सत्ता से वो सवाल कर सकें। इसके अलावा राजस्थान सरकार की अगर बात करें, राजस्थान सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी होगी, जो बेरोजगार योग्यताधारी युवा हैं उनको 3500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसी कई घोषणाएं थी जो शायद अभी तक पूरी नहीं हुई। मुझे लगता है कि ऐसे ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो आम आदमी को सीधा झकझोर देते हैं। जब आप अगर मन में सोचोगे कि आज हमारी सरकारें क्या कर रही हैं तो आपके सामने ये सवाल ज़रूर खड़े होंगे। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र की सरकार और राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की थी उन वादों को पूरा किया है या फिर जनता के साथ सिर्फ वादा खिलाफी? आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके मन में भी अगर कोई ऐसा सवाल है तो हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए, क्योंकि हम सत्ता और नौकरशाह से हमेशा सवाल करते रहेंगे। धन्यवाद।